हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं कुछ टॉपिक्स हैं जो जावा के थ्योरी और सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जावा नेटिव इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं JNI। सो जावा नेटिव इंटरफेस इज़ यूज टू सपोर्ट द नेटिव कोड्स, और नेटिव कोड्स का मतलब होता है नॉन जावा कोड्स। सो बेसिकली हम कौन से कोड्स को सपोर्ट करते हैं? सी और सी प्लस प्लस के कोड्स को। सो बेसिकली इसका मतलब होता है आप जावा के प्रोग्राम में एक ऐसा मेथड या फंक्शन कॉल कर सकते हो जो सी या सी प्लस प्लस की फाइल के अंदर डिफाइंड है। सो बेसिकली अगर मैं इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लेट अस से मेरे पास एक जावा की फाइल है यहाँ पे, या जावा का कोड है यहाँ पे, और इस जावा के कोड में मैंने एक फंक्शन है M1 कॉल किया हुआ है। सो ये जो M1 फंक्शन होगा, इसकी डेफिनेशन हो सकता है कि सी या सी प्लस प्लस के कोड में हो। लेट अस से मैं सी प्लस प्लस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है M1 यहाँ पे डिफाइंड है। सो दैट मीन्स आई कैन कॉल दिस M1 फंक्शन इन ए जावा फाइल विच इज़ डिफाइंड इन सी प्लस प्लस कोड। और ये जो ब्रिज होता है, बेसिकली इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये ब्रिज है। सो दिस ब्रिज इज़ एक्चुअली JNI। तो एक तरह से जो JNI है वो ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में? बाइट कोड जो JVM पे रन कर रहा हो, जो नेटिव कोड है। सो JNI के बारे में दोबारा से बता देता हूँ, दैट इट इज़ यूज टू सपोर्ट नेटिव कोड्स, विच मीन्स रनिंग सी और सी प्लस प्लस कोड्स। JNI ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन द बाइट कोड रनिंग इन JVM एंड नेटिव कोड। सो ये इसका छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं JNI के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। सबसे पहली बात तो एक जावा का कोड चाहिए। जावा का कोड क्या है? जो हमारा अपना खुद का जावा का प्रोग्राम लिखा है, हमने जो क्लासेस बनाई हैं जावा के प्रोग्राम की। एंड दिस शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन नेटिव मेथड, मतलब इस जावा के कोड में एक नेटिव मेथड होना चाहिए, ठीक है। देन हमने यहाँ पे लिखा है नेटिव कोड। नेटिव कोड क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल लॉजिक ऑफ द नेटिव मेथड्स, मतलब ये जो M1 होगा ना जावा के कोड में, ये नेटिव होगा, और इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी? सी या सी प्लस प्लस के कोड में। सो नेटिव कोड होना चाहिए। देन JNI की हेडर फाइल होनी चाहिए जो सी और सी प्लस प्लस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, एंड देन द सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो बहुत सिंपल है जावा के कंपोनेंट्स जो भी चाहिए होते हैं JNI एप्लीकेशन के लिए, आप इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो नाउ लेट अस सी अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ JNI। लेट अस क्रिएट वन क्लास, एक क्लास बनाते हैं, ये जावा का कोड लिख रहे हैं अभी हम। सो पब्लिक क्लास हेलो JNI बना लेते हैं। अब इसमें देखो जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक लाइब्रेरी को लोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी फंक्शन, और लाइब्रेरी का नाम है नेटिव। सो नेटिव लाइब्रेरी को लोड करते हैं, ठीक है। सो नेटिव लाइब्रेरी को हम लोड करते हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट अभी हम कोड एक बार देख लेते हैं। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है जावा के कोड में। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, यहाँ से मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ डायरेक्ट। सो न्यू हेलो JNI, और एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेट अस से हेलो फंक्शन, ठीक है। सो कुछ नहीं कर रहा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक हेलो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब ये जो हेलो फंक्शन होगा मेरा, दैट शुड बी अ नेटिव फंक्शन। सो उसके लिए मैंने बनाया लेट अस से प्राइवेट। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड यूज़ करना है आपको नेटिव, ठीक है। सो प्राइवेट नेटिव वॉइड
हेलो। तो ये है जावा का कोड, सो दिस इज़ द कोड ऑफ जावा। अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। एक तो यहाँ पे जो हो रहा है सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी को लोड कर रहे हैं जिसका नाम है नेटिव। सो वी आर लोडिंग द नेटिव लाइब्रेरी इन दिस पार्ट। तो मतलब डिफरेंट होती हैं, विंडोज़ के अंदर कई बार हेलो डॉट डी एल एल की यूज़ करते हैं, यूनिक्स के अंदर हम लिब हेलो को यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे हम नेटिव को यूज़ कर रहे हैं। देन दिस इज़ द नेटिव मेथड, प्राइवेट नेटिव वॉइड हेलो। सो नेटिव का मतलब होता है, इस कीवर्ड का मतलब होता है, यही इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड का मतलब होता है दैट दिस मेथड इज़ implemented in another language. मतलब ये method एक दूसरी language के अंदर implement हुआ है, but हम इसको call कहाँ से कर रहे हैं, Java के code से। So ये एक simple सा इसका मतलब है that this method is implemented in another language. Native को आपको use करना है। So इतना code तो आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत simple है एक Java का JNI के एप्लीकेशन का कोड लिखना है यहाँ पे। तो देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड वी हैव टू जनरेट द C++ हेडर फाइल, ताकि वो उसको हम C++ के कोड के अंदर लोड कर सकें। सो कंपाइल करने के लिए आपको लिखना है नॉर्मल, आप डॉट क्लास फाइल तो इसके बनाओगे जब रन करोगे, बट C++ की हेडर फाइल को बनाने के लिए जो लिखना है आपको, वो लिखना है जावा सी, देन यू हैव टू यूज़ द आर्ग्यूमेंट -h एंड द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम। सो हेलो JNI डॉट जावा। तो इससे क्या होगा, आउटपुट ऑफ दिस विल बी हेलो JNI डॉट h, और इस हेडर फाइल को यू हैव टू इंक्लूड इन योर C++ कोड। सो इंक्लूड इन C++ कोड दिस हेडर फाइल, ठीक है। सो इस हेडर फाइल को तो आपको C++ के कोड में इंक्लूड करना है, एंड वहाँ पे आप फिर इस मेथड की डेफिनेशन दे दोगे, हेलो मेथड की डेफिनेशन, आप उसके अंदर कुछ भी अपना कोड लिखोगे। तो जब आप इस जावा फाइल को रन करोगे तो इस जब कॉल हो रहा है तो कौन सा मेथड कॉल होगा जो C++ की फाइल के अंदर आपने लिखा होगा, ठीक है। अब देखो C++ की जब आप कोड लिखते हो तो उसमें एक लाइन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है, दैट वी हैव टू यूज़ सम एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स हैं JNI एक्सपोर्ट, JNI कॉल। सो JNI एक्सपोर्ट क्या करता है, इट मार्क्स द फंक्शन इनटू द शेयर्ड लाइब्रेरी एक्स एक्सपोर्टेबल। अब देखो C++ के कोड में क्या लिखोगे वो आपको बता रहा हूँ, C++ के कोड के बता रहा हूँ मैं आपको। एक आपको यूज़ करना होता है JNI एक्सपोर्ट, इससे होता है कि जो फंक्शन के आगे आप इसको लिख देते हो JNI एक्सपोर्ट के अंदर, दैट मेक्स द फंक्शन एज एक्सपोर्टेबल। तो ये फंक्शन आपका C++ के बाहर यूज़ होता है, यानी JNI उसको फाइंड कर सकता है। इसके बाद हम इसमें ही इंक्लूड करते हैं JNI कॉल को, इससे होता है कि जो हमारा मेथड है That is available for JNI framework। मतलब ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं, JNI export एंड JNI call, और इन दोनों का मकसद क्या है, इट मेक्स द फंक्शन एक्सपोर्टेबल। एंड अवेलेबल फॉर JNI framework, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना होता है जब हम C++ का कोड लिखते हैं। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ JNI। यहाँ पे आपको बस दो चीज़ों का मेन ध्यान रखना है, जब आपके अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझा सकते हो, देन सिंपल JNI एप्लीकेशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज़ द लाइब्रेरी दैट यू हैव टू यूज़। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी, और एक यहाँ पे
जावा के अंदर एक नेटिव फंक्शन होना चाहिए, नेटिव मेथड होना चाहिए. नेटिव कीवर्ड से क्या होता है कि ये मेथड किसी और लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंटेड है. देन यू हैव टू क्रिएट अ हेडर फाइल विद द यूज़ ऑफ दिस लाइन, और इस हेडर फाइल को आपको अपने सी या सी प्लस प्लस के कोड में इम्प्लीमेंट करना है, इंक्लूड करना है. और वहाँ पर जब आप इस मेथड को डिफाइन करोगे हेलो मेथड को, तो आपको उसके आगे इन दो कीवर्ड्स का यूज़ करना है. सो दिस इज़ द मेन और बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ JNI. सो सिंपल सी JNI एप्लीकेशन का कोड भी मैंने आपको समझा दिया इसमें. और अगर आपको एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है JNI के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने का, या हाउ एन JNI एप्लीकेशन इज़ एक्चुअली डेवलप्ड, तो आप इसकी हेल्प से समझा सकते हो. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.